हेलो फ्रेंड, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज मैं करेला की बनाने जा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, भरमा करेला बनाऊंगी। करेला का ये देखिए, लहसुन ही डालूंगी, इतना प्याज। ये करेला की रेसिपी दिखाऊंगी आज मैं बना के। तबीयत सही ना आई, अभी दवाई लेके आई हूँ। मेरे दर्द हो रहा था यहाँ सीने में, तो अब खाना आज हमारा लेट बनेगा। आज 9 बजे नहीं जा रहे हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड, देखिए करेला इतना प्याज डालेंगे हम, लहसुन डालेंगे, ज्यादा हो गया प्याज, थोड़ा लहसुन इतना ही छीलेंगे। आज हम करेला आपको भरमा बना के दिखाएंगे, करेला की रेसिपी। चलिए फ्रेंड, अब शुरू करते हैं। उबला रखना पहले ये करेला, उबाल के रख दो। करेला उबला रख दो ये करेला पहले, देखो पहले ये बीच में था, हम छीलेंगे करेला ये सब। पकते हैं क्या? पके नहीं है। अब हम थोड़ा से साफ करके ये निकालते हैं बीज के। ये बीज तेल में मसाला भरेंगे ना, ये भरमा बनाएंगे। देखिए तो पके करेला खाने में, जिनको शुगर हुआ ना उनको तो बहुत फायदा देते हैं करेला खाने में, अच्छे अंदर से। देखिए फ्रेंड, कड़ुए तो होते हैं मगर शरीर को लिए बहुत अच्छे होते हैं। देखिए खराब भी हो गए हमारे रखे हुए करेला, ये खराब भी होने से हो गए। अभी हम थोड़े से इन्हें उबालेंगे हल्के से। ये बीज निकाल देना, कचकचाएंगे खाते हैं सारे, निकालते हैं बीज, हमने सारे निकालते हैं इसके। अब बेटा मेरी दवाई गिर गई, बेटा दवाई उठा के रख दे। देखो अब उबालर रखते हैं, उबालर रख दें फ्रेंड। अब जब भरमा, इनमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, अभी करेला बनाने, भरमा बनाने में बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा 1 घंटा। देखिए करेला हम धो के रख दें, उबालना धो के रख रहे हैं, बांटी लेना। कितना प्याज डालेंगे हम, मसाला तैयार कर रहे हैं। करेला हमारे उबलिए है, अब ये देखिए फ्रेंड, अब हम करेला भूंजेंगे। ये देखिए अब हम तेल में इन्हें, देखिए आज हम करेला की रेसिपी बना के दिखाएंगे आपको। करेला खाने में शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कड़वे तो होते हैं करेले, खाने में कड़वे लगते हैं मगर हमें ना, जो चीज कड़वी होती है वो शरीर को पता है फायदेमंद होती है। बहुत से लोग तो सवेरे उठ के ना, जिनको शुगर होता है वो सवेरे करेला का जूस भी पीते हैं, वासे हम नॉर्मल हो जाए थोड़ा सा, शुगर जो ज्यादा हाई हो जाता है तो नॉर्मल के लिए लोग पीते हैं जूस, इसका कड़वा होता है सवेरे खाली पेट। मेथी का भी साग बहुत अच्छा होता है, देख रहे हमारे
उबल गए ये, अब हम इनमें तेल मंग देंगे। हर्ष एक कटोरी लाने बेटा, हर्ष एक कटोरी देने लायक हो बेटा, तेल ज्यादा पड़ गया कढ़ाई, थोड़ा सा तेल कम करेंगे। इतना करेंगे तेल हम, थोड़ा सा वैसे कड़वा हो जाएगा इसलिए तेल निकाल रहे हैं, कम पड़ेगा तो दोबारा डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड, करेले खाने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और इनमें टाइम बहुत लगता है। 2 दिन हो गए ना करेला रखे हुए घर पे। जी फ्रेंड, 7 बजे नीचे से छुट्टी हुई, खाना देखो हमारा किस टाइम बन रहा है, 9:30 हो गए, अभी तक हमारा खाना बना नहीं। फ्रेंड क्या कर, सुबह से लगा के 8 बजे तक हमारी ड्यूटी होती है, 2 बजे तक स्कूल में बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद 2 बजे के आके पूरी स्कूल की साफ सफाई, फिर 5 बजे फिर नीचे चले जाते हैं, फिर हमारी ड्यूटी होती है 8 बजे तक होती है। देखिए फ्रेंड क्या करें, बच्चों के कारण सब कुछ करना पड़ रहा है। वो तो घूम जाएंगे झड़प आ रही है ना तेल की, सरसों के तेल की ज्यादा झड़प आ रही है। भाई पानी आ गया। देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड मिलके बना रहे हैं खाना, आप लोग जल्दी सपोर्ट करिए हमारा घर बन जाए। फ्रेंड पता है हमें पूरे 10 साल होने जा रहे हैं स्कूल में रहते हुए, हमारी मजबूरी है, जब ही रह रहे हैं क्या करें फ्रेंड, इतनी कमाई नहीं है बिल्कुल, बस यही है खर्चा पूरा हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं फ्रेंड। हाँ फ्रेंड पैसा भी नहीं है ना, फिर मोटे के पास तो कुछ नहीं है, लोग कहीं भी इज्जत नहीं है आपने, अगर आपके पास पैसा है ना तो भैया पड़ोसी भाई भी कोई अपना रिश्तेदार सब अपने, अगर हमारे पास पैसा है तो सब अपने हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है परेशान, अगर भाई को भी फोन कर लोगे तो भाई भी फोन नहीं उठाएगा कि हमारी दीदी पैसे नहीं मांगने लगे हमसे, गरीब इंसान के कहीं भी इज्जत नहीं है फ्रेंड, आपको तो ये पता है। अभी सर्दी फ्रेंड क्या कहें आपसे, आज के जमाने में जिसके पास पैसा है उसी की इज्जत है, जिसके पास पैसा ना उसकी कहीं भी इज्जत नहीं। यही फ्रेंड आप सब लोग जमीनी सपोर्ट करो, हमारा थोड़ा घर बन जाए और स्कूल में बड़ा दिक्कत होती है फ्रेंड, देखिए नीचे सामान फैला हुआ सब, नीचे ऐसे बना खाना, अभी सांझ के टाइम तो यही बना लेते हैं, दोपहर को ताई फिर अंदर ही बनाते हैं खाना, फिर स्कूल के टाइम साफ सफाई करनी होती है, यहाँ पर ना गंदगी ज्यादा हो जाए तो सफाई करके पोछा लगा के सब अच्छे से। देखिए हाँ मसाला हमारा तैयार हो रहा है, जिसमें हमने डाली है सौंफ हल्दी और धनिया पाउडर नमक, ये हमने ये सब मसाले में मिलाए हैं, लहसुन हमने पीस के डाला, मसाला तैयार हो रहा है हमारा रेडी। देखिए अब हम इसमें डालेंगे, कड़वे होते हैं ना तो इसमें हम एक नींबू डालेंगे, ये खटाई भी पड़ती है तो है नहीं आम,
कहाँ का नाम तो भैया आमचूरा भी डाल सकते हैं, नींबू ही डालना है। वो तो कड़वापन है ना, तो कड़वे हैं तो कड़वे नहीं रहेंगे, इसलिए हम नींबू डाल, पूरा नींबू डाल दे रहे हैं। बच्चे भी खा लेंगे ना, बच्चे नहीं खाएंगे, मेरा स्किन नहीं आ रहा, ऐसा हो गया हो गया। बीज आ गया ये, हर सर एक नींबू और लाइए। इसमें रस थोड़ा सा कम था, पैर में क्या दर्द हो रहा है? पार्क में खेलने का, पार्क दर्द हो रहा है थोड़ा सा, आ रहा है नहीं कम दिख रहा थोड़ा, हाँ तो कड़वे रहे होंगे फिर करेगा, इसलिए थोड़ा सा आ रहा है। हमारा अच्छे से ही खत्म हो रही, तो फिर आए चलो माँ का सामान ले देखते हैं। हाँ तो मैं भी दर्द हो रहा है मेरे हाथ, इसमें हाथ है मेरे, 12 दिन में सूजन हो रही है, सर्दी में मेरे ये हाल हो जाता है, फिर काम ज्यादा होता है ना, कल बारम्बार हाथ धो साबुन से, तो ये हाथ में ये सूजन हो रही है, क्या करें। हाँ तो मेरे तो हाथ सुन पड़ जाता है सर्दी में पूरा, तब नहीं बोल पा रही हूँ अच्छे से, हाथ में दर्द हो रहा है। जो भी हमारा मसाला अच्छे से पका लेंगे तो पक गया हमारा मसाला, हम इसमें मिल्क मिक्स कर लेते हैं। जब हमने प्याज भूना ना, इसमें हमने मिक्स कर लिया है, देखिए वो आ रही है अच्छी सी करते करते। हमारा प्याज मसाला तैयार हो गया, खाना हमारा बन के तैयार हो गया, फिर आपको आज करेला घर के दिखाएंगे। मसाला हमारा हो गया, ये हम करेला के अंदर भरेंगे, अभी गरम है अभी। हमारे करेला बन के तैयार हो गए, अब हम खा के बता रहे हैं कैसा टेस्ट बने हमारे। वीडियो यहीं खत्म कर रहे हैं, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अब करेला जरूर बनवाना घर पर।